प्रदेश सरकार ने आईडीए को 236 एकड़ जमीन नई रोड के लिए आवंटित की है। यह जमीन टीसीएस और इंफोसिस को जमीन आवंटित करने के एवज में दी गई है। इसकी मंजूरी कैबिनेट और नगर प्रशासन विभाग दे चुका है। अब केवल प्रशासन को यह जमीन आईडीए के नाम करते हुए कब्जा सौंपना है। सुपर कॉरिडोर एयरपोर्ट रोड पर जहां खत्म होता है वहां से सीधे 75 मीटर चौड़ी सड़क बनना शुरू होगी, जो करीब 2 किलोमीटर बाद नावदा पंत के पास धार रोड से जुड़ेगी। इस नई रोड के लिए सरकार ने आईडीए को जमीन दी है। आईडीए को कब्जा मिलते ही काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए इंदौर विकास प्राधिकरण पहले ही टेंडर कर चुका है। संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने खबर की पुष्टि की है। मिलाने की योजना हवाई स्कीम नंबर 172 में वो RW2 नाम से एक रोड है जो 10 लेन रोड है, उसका टेंडर आके हमने अप्रूव कर दिया था। उसका अनुमोदन कार्य उत्तर आईडी बोर्ड में प्राप्त कर लिया है और उस रोड को डायरेक्टली फिर हम सुपर कॉरिडोर से सीधा धार रोड को कनेक्ट करेंगे। उससे जो एयरपोर्ट विस्तार के लिए भी जो लैंड की आवश्यकता है, जो कि अभी जो अभी वर्तमान कनेक्शन है उसमें उसकी लैंड भी उसमें आ रही है, तो वो भी लैंड उपलब्ध हो जाएगी। और एयरपोर्ट का विस्तार जो कि आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी अब यहाँ से शुरू हो रही हैं, तो एयरपोर्ट विस्तार की जो आवश्यकता है वो भी पूर्ति हो पाएगी।